तो कैसे आप लोग लोग वेलकम गाइस, मैं रोहित, आप देख रहे हो रोहितवैडी गेमर यूट्यूब चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक कोनी BGMI की फ्रेश गेम प्ले वीडियो में। और मैं आज उतर रखा हूं जॉर्जो पुल में, और जॉर्जो पुल में मुझे उतरते ही एसकेस और कुछ नियत्ते बन गई, लेकिन इनको डैमेज दे पाता हूं मैं और कुछ नहीं दे पाता। और ये देखिए मेरा लक इतना टट्टी रहता है कि मैं कंटेनरों में बीच में ही गिरता रहता हूँ। तो गाइस मैं वापस कंटेनर पे चढ़ता हूँ और आप यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट करो, मैं अगले 30 सेकंड्स में कितने किल करता हूँ। ठीक है गाइस, आप यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड स्टार्ट करना, लेकिन अभी नहीं, तब मैं बोलूँ तब वो 10 सेकंड आप स्टार्ट करना, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑटो गन नहीं है और उन 10 सेकंड्स में मुझे बताना है मैं कितने किल करता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी ये चले जाता है, लेकिन अब मैं ऑटो गन ढूंढ रहा था कि ऑटो गन मिल जाए तो मैं आराम से बंदों को मार दूंगा। और देखिएगा इस मेरा लक इतना बढ़िया होता है, इस कंटेनर के अंदर मुझे 3 लेवल का हेलमेट एंड M4 मिल जाती है। और अब देखिए बंदे स्टार्ट कर दीजिए 10 सेकेंड। तो गाइज ये डुओ तो कंप्लीट हो चुका, और मुझे इसके टीममेट पे आ रही थी, टीममेट कितना डम था इसका, जो इसके टीम अपने खुद के टीममेट को मार रहा था। मैंने उस बंदों को नॉक करा और वो अपने टीममेट पे ही फायर कर रहा था, तो वो भी मर जाता है और ये बॉट को भी मार देता हूं। अब मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि आके सीधे लेट जाता है, वो तो ये मर गया क्योंकि इस पर एक हेड पड़ गया था, और मेरी जो 2x की सेंसिटिविटी है वो थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हम 2x वगैरह ज़्यादा चलाते नहीं है, तो हम सेंसिटिविटी भी नॉर्मल जो होती है वो ही रखी है। और अब ये आता है इसका टीममेट और इसको भी मैं मार देता हूँ। और अब मेरे पे 5k एमओ की बहुत कमी थी, और मुझे लकीली वॉच टावर के अंदर 5k एमओ मिल जाती हैं, और रिलोड करने के बाद एक बंदा भी मिल जाता है। वो देखिए बॉट दिख रहा होगा आपको, इसको मारने के बाद ये बंदा नहीं है। अब अंदर जाता हूँ, अब मुझे फुटस्टेप आते हैं और वेयर हाउस में से बंदा। और गाइस ये मिनी 40 M16 चला रहा था, और M16 से इसने मुझे इतना डैमेज दे दिया, तो मैं अंदर आके तुरंत अपने बैंडेज मारता हूँ और थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी सही करता हूँ, और मुझे बंदा दिखता है। लेकिन मुझे ये बंदा रियल लगा था, क्योंकि मैंने इस पर फायर किया तो ये तुरंत कवर में चले गया, तो मैं सोचा ये रियल बंदा है, तो मैं इस पर यहाँ से लूट वूट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, इधर उधर हिल हिला के AKM उठा लेता हूँ, और इस पर फिर मैं रोटेशन देता हूँ, और रोटेशन देने के बाद क्या पता चलता है ये बंदा इधर आ जाता है, और इधर मेरा टीममेट आ जाता है थोड़ी देर बाद, और टीममेट इसको मार देता है। लेकिन ये रियल बंदा नहीं होता, ये होता है बॉट, बॉट भी कवर में जाने लग जाते हैं तब फायर होता है। मुझे पता नहीं था कि मैं तो ये इसको रियल बंदा ही समझ रहा था, तो मैं रियल की मतलब रियल समझ के मैं इसको देखने जा रहा था कि मारेगा तो मैं तुरंत मतलब प्रोन हो जाऊंगा और नीचे कूद जाऊंगा, लेकिन ये रियल नहीं होता। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ इधर ब्रिज पे, क्योंकि वहाँ पे तो उसको मार देता, और मुझे यहाँ पे एक गाड़ी में दिखती है, और यहाँ पे एक बंदा फायर भी कर रहा था, लेकिन उसके फुटस्टेप नहीं आ रहे थे, और आप देखिएगा थोड़ी देर में उसके फुटस्टेप भी आएंगे, आपको फुटस्टेप आ गए होंगे। और वो देखिए बंदा भाई पानी में कूद गया, मैं सोचा कि चलो इसको पानी में कूद गया, मैं इस साइड में जो ग्रिल सी है इस पर कूद गिर जाऊँ तो मैं उसको पीक दे के मार दूंगा, लेकिन मेरा भी लक इतना टट्टी कि मैं भी पानी में कूद जाता हूँ। तो फटाफट से मैं इसका पीछा करता हूँ और इसके पास पहुँचते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से इसका पीछा कर रहा था कि मैं इसके पास जल्दी से पहुंच जाऊं, और आप देखिए वो जा रहा बंदा उस वाले पिलर पे, तो मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं। और आगे देखिए इसका एक और टीममेट है लास्ट एंड वन पिलर वाले पिलर पे, उसका एक और टीममेट, और अब जो हो जाते दो बंदे। तो मैं सोच रहा था इनके पास क्लोज इन कर दूं, तो मैं अंदर ही अंदर इनके पास क्लोज इन कर देता हूं, और ये चले जाते हैं आगे ओपन में जमीन पर, मतलब मैं अभी पानी में था ये चले जाते हैं जमीन पर। तो मैं सोच रहा था देखिए अभी अब ये वाइट आउटफिट वाला जो बंदा है सीधे जाके लेट जाता है ओपन में,
तो मैं सोचा ये क्या है, मेरी तरफ तो देख नहीं रहा, तो मैं इसके पास चले जाता हूँ। मैं इनको डम समझ रहा था, लेकिन जो गलती आज मेरे से हुई है ये गलती आप कभी मत करना। भले ही कितना भी बड़ा नूब क्यों ना हो, कोई बंदा बॉट क्यों ना हो, लेकिन उसको डम कभी मत समझना। तो मैं वहाँ पे तो मर जाता हूँ। तो आप इस गेम प्ले को एंजॉय करिए। चिकन नहीं है आज, लेकिन इंजॉयमेंट फुल है। यहाँ पे उतरता हूँ, यहाँ पे इतने सारे बंदे, और लक के लिए मुझे यहाँ पे बैरल मिल जाती है। और मेरे ऊपर एक बंदा घुस रहा था, निहत्ता। इसको मारने के बाद इसके लुपेटी में तो कुछ होता नहीं है, बस आउटफिट होती है। तो मैं पीछे कूदता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे से फुटस्टेप आ रहे थे इस वाले घर से। अब मुझे फुटस्टेप आते हैं सामने वाले घर से, तो मैं उसी के ऊपर रश कर देता हूँ। और इस बंदे ने मुझे देखिए कितना भगाया। ये देखिए, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने डैमेज दिया। फिर मेरे पे यहाँ पे क्या गलती होती है आप मुझे कमेंट में बताना, और बाद में मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मेरे को मल्टी फुट स्टेप आने लग जाते हैं दो तीन बंदों के, तो मैं यहाँ पे ही थोड़ा बहुत देखता हूँ, और यहाँ पे ही मैं टीपीपी लेने लग जाता हूँ। क्योंकि देखिए सामने बंदा है, इसलिए मैं यहाँ पे ही मतलब वेट करता हूँ। लेकिन इसको तो हम मार देते हैं। तो वो बंदा तो मुझे पता नहीं गाइस किधर चलेगा। और मेरे से गलती वहाँ पर ये हो गई थी कि मैंने बैरल की जगह शॉटगन यूज़ कर ली। अगर मैं वहाँ पे उसको बैरल से मारता तो मार देता, लेकिन मैंने शॉटगन यूज़ कर ली। मैं सोचा कि इसको शॉटगन से मार दूंगा, लेकिन शॉटगन कहाँ कनेक्ट होने वाली है हमारी। तो इस बंदे की थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ, शॉटगन वगैरह की एमओ उठाने के बाद मुझे देखिए सामने बंदा। तो मैं एंगल बनाने की सोच रहा था, लेकिन उस पर मैं फायर करता, उससे पहले वो आगे चले जाता है। तो मैं इधर ही आ जाता हूँ, लेकिन उसके फुटस्टेप तो आ रहे थे, लेकिन मुझे एकदम क्लियर फुटस्टेप नहीं आ रहे थे क्योंकि फायर हो रहा था। तो अब मुझे इस पे फायर देता हूँ, लेकिन एकदम टट्टी। इन छोटी छोटी खिड़कियों की वजह से फायर बेकार हो जाता है, क्योंकि अटक जाती है गन। तो अब मैं नेट फेंकता हूँ कि नेट से मर जाए, लेकिन नेट से भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। तो मुझे अब एक और फुटस्टेप आता है, सुन लिया होगा आपने फुटस्टेप, नहीं सुना तो आप मिनी मैप देख सकते हो। दो दो फुटस्टेप हो गए। तो अब मैं दोनों को देख रहा था कि किधर किधर से एंगल बना के मार सकता हूँ। तो मुझे एक एंगल याद आया, जो कि है देखिए गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई एंगल मिल जाए यहाँ से, उधर से, इधर से, तो मुझे कहीं से एंगल नहीं मिला। तो फिर मुझे याद आया छत का, तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ। तो फर्स्ट टाइम में तो मैं चढ़ नहीं पाता, देखिए फर्स्ट टाइम मैं गिर जाता हूँ। मुझे पीछे बंदे का भी डर लग रहा था, क्योंकि वो वॉच टावर में ही था, स्नैपर टावर में। लेकिन मैं चढ़ जाता हूँ फाइनली। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत देर वेट करता हूँ, बंदों के फुटस्टेप सुनता हूँ। और एक जो सामने वाला बंदा था, स्नैपर टावर वाला नहीं, घर वाला, वो देता है पीक स्नैपर टावर वाले को, देखिएगा गाइस आप। एंड आज आपको मेरी आवाज़ कुछ चेंज लग रही हो तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मेरा जो है गला बैठा हुआ है। और अब देखता है तो इसके हेड ही हेड से चले जाता है। और स्नैपर टावर वाला सोच रहा था कि इन दोनों की फाइट होगी तो एक लिट होगा, और स्नैपर टावर वाला तुरंत रश करता है और वो भी हेड से चले जाता है। और थोड़ा इमोट पार्टी तो बनती है। तो यहाँ पे भी हम इमोट विमोट दिखा के इनकी लूट वूट मचा के, और तीन चार बॉटों को मार के आ जाते हैं इस जगह पे। इस जगह पे आने के बाद सामने बंदा होता है घरों पे, M249 लेके बैठा होता है, और मैंने ड्रॉप लूट ली थी। और देखिए पोचंके में मेरे चार किल थे और यहाँ पे हो चुके 9। तो ये मैंने सारे बॉट मारे थे। केडी वेडी बढ़ानी है गाइस, कॉन्करर पहुँचना है। तो मुझे यहाँ पे एकदम जो स्नैपर वाला बंदा था, यहाँ पे दो बंदे थे, एक M249 और एक स्नैपर। तो स्नैपर वाला पीक देता है, तो मैं उसको एक हेडशॉट दे देता हूँ, और वो मेरे को एक स्नैपर चिपका देता है। अगर मेरे पास लेवल 3 की वेस्टिंग होती तो मैं मर जाता। अब मुझे दिखता है सामने बंदा, लेकिन मुझे एक पास में बॉट दिखता है, तो इसको मैं मारता हूँ।
इसको गाइस मैंने कितना डैमेज दिया देखिए, और अब देखना किल चोरी M249 वाले ने किल चोरी देख कर लिया, किल चोरी देख लीजिए आप। अब मुझे ये लग रहा था बंदा ऊपर में, और देखिए इसको डैमेज भी पड़ता है, ग्रीन ग्रीन आता है, तो मैं उसको देखिए कितनी गोली मारता हूँ। अब मेरी साइड में बॉट आ जाते तो भी मैं इस बंदे को मारने पे तुला हुआ हूँ कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, लेकिन इसको इतना डैमेज देता हूँ मैं तो भी ये मरता नहीं, तो मुझे समझ आ जाता है ये ग्रीन तो इसका बस इफेक्ट दे रहा है कि उसको गोली पड़ रही है, लेकिन उसको गोली नहीं पड़ रही, वो कवर में है, लेकिन ये ग्लिच है गाइस, इफेक्ट दिख रहा है और गोली नहीं पड़ रही है, ऐसा हो नहीं सकता, वो ग्लिच है गाइस, इफेक्ट आता है बस। तो मैं इधर आ जाता हूँ, बग्गी का साउंड आता है मुझे, और एक बंदा भी, ये तो दो तीन गोलियों में मर जाता है ग्रोजा की, क्योंकि ग्रोजा ओपी है, तो इसकी भी थोड़ी बहुत लूट करने के बाद इधर से मेरे को M249 की रिलोड की आवाज़ आती है, और मुझे देखिए आपको बंदर दिख गया होगा लेकिन मुझे नहीं दिखा था, वापस में M249 कौन बोलता है गाइस, एकदम इससे टट्टी हो गई है, ग्रोजा इसको बीट नहीं कर पाई, बीट तो करा देखिए आप, 1 HP छोड़ा था मैंने, तो मर गए कोई ना। तो मुझे बताना आपको ये गेम प्ले वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड एक शेयर बनता है कमेंट, और जो हमारे चैनल पे नया वो सब्सक्राइब कर देना।